हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बनाना सीख रहे हैं किस तरह से घर पर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया जाता है, वो भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, अब परंपरा को फॉलो करते हुए मैं पूछता हूँ आपसे एक सवाल और आप देना उसका एक जवाब। तो इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें मैंने आपके साथ शेयर करे थे 10 वेजिटेबल के प्लांट जो आप ग्रो कर सकते हैं इन समर सीज़न। तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो ग्रो करा ही होगा। तो आपको बस कमेंट करके ये बताना है कि आपने कौन सी वाली वेजिटेबल ग्रो करी है, और अगर नहीं करी है तो वो भी कमेंट में बताना कि अभी तक नहीं करी है और अब हम ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या मैं आपसे लाइक टारगेट की बात कर लूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक आ जाते हैं तो हमें लगेगा ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और आप ज़रूर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा लाइक टारगेट है 5000 लाइक। कंपोस्टिंग करना दोस्तों बहुत आसान है, बट इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं या फिर कोई फ्रूट प्लांट ग्रो करते हैं तो डेफिनेटली कंपोस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपकी सॉइल को वो रिच बनाएगा, आपके प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत अच्छा बनाएगा, और उसके साथ साथ आपके जो वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स लगेंगे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों कैसा रहेगा, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको एकदम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मिले, आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी के लिए वो भी आप अपने फल सब्जियों से इजीली ले सकें, और वो भी सारे हाई क्वालिटी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया जाता है। अब दोस्तों किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं तो हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स हमारा किचन से ही आएगा, और यहाँ पर अगर पॉट साइज़ की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 इंच का पॉट ले रहे हैं, और इसमें आप ड्रेनेज होल भी देख लें, काफ़ी सारे हैं। चलिए बेस प्रिपेयर कर लेते हैं, और ये बेस प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे दोस्तों आपके किचन वेस्ट कंपोस्ट के अंदर स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको बेस में काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल ग्रेवल्स, मतलब कि मोटी मोटी बजरी डालनी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर सारा ड्रेन हो जाएगा। चलिए फर्स्ट लेयर ऑफ किचन वेस्ट कंपोस्ट बना देते हैं, और फर्स्ट लेयर में दोस्तों हम कंपोस्ट ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंपोस्टिंग के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। अब सेकंड लेयर में दोस्तों हम हमारा किचन वेस्ट यूज़ करने वाले हैं, और इसमें हम ग्रीन वेजिटेबल का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मटर के छिलके हो गए या फिर पालक के एक्स्ट्रा बचे हुए लीफ हो गए, और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप खा रहे हैं तो उसके छिलके आप डेफिनेटली इसमें डाल सकते हैं। अब क्या क्या नहीं डालना है उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले हमारी थर्ड लेयर रेडी होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हमने कंपोस्ट डाला था, उसके बाद वेजिटेबल्स के छिलके डाले हैं, अब तीसरी लेयर में दोस्तों फिर से हम कंपोस्ट का हिस्सा डालेंगे, और फिर से चौथी लेयर में आप ग्रीन वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो मतलब आपको लेयर वाइज काम करना है, जिससे आपका कंपोस्टिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको स्मेल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल है तो दोस्तों इनके अंदर पानी पहले से ही मौजूद होता है, तो हम ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालेंगे, बस आप लेयर वाइज इसको बनाते जाइए, और बस फाइनली इसके ऊपर आप एक लिड ढक दीजिए और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। नियरली 10 डेज़ के बाद आपको दो चीज़ें ऑब्जर्व होगी, एक तो आपका जो कंपोस्ट है वो नीचे की तरफ दब जाएगा, और दूसरा आपको वाइट कलर की फंगस मिलेगी। अगर ये वाइट कलर की फंगस आ रही है मतलब आपका कंपोस्टिंग बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। दोस्तों आपको कंपोस्ट बिन को कम से कम दो बार तो भरना ही है, तभी आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंपोस्ट मिलेगा। मतलब जैसे जैसे ये आपका मिक्सचर नीचे दबता जाता है आप ऊपर से ग्रीन वेजेस के लेफ्ट आउट पार्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आप नहीं डाल सकते। वैसे तो हर चीज़ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज कर सकता है, बट हम हमारे कंपोस्ट को बिल्कुल ऑर्गेनिक और जल्दी बनाना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी कुक्ड फूड नहीं डालेंगे, मतलब बनाया हुआ खाना नहीं डालेंगे, आप कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं डालेंगे, एक्स्ट्रा शुगर या फिर कोई बेकरी प्रोडक्ट हो जाते हैं वो नहीं डालना है, आपको मिल्क प्रोडक्ट नहीं डालने हैं, आपको बाहर से कोई भी चिप्स वगैरह जो मार्केट में मिलती है वो सब नहीं डालना है, कुरकुरे वगैरह का लेफ्ट आउट पार्ट नहीं डालना है। ओके, अब आपको 10 से 12 दिन बाद ही वाटर ऐड करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि हमने जो बेस पे जो कंपोस्टिंग के लिए प्रोडक्ट रखे हुए थे उनका वाटर ड्रेन हो चुका है या फिर वो यूज़ हो चुका है कंपोस्टिंग के प्रोसेस में, तो बस उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, और नीचे की तरफ आप लिड रख दीजिए, क्योंकि इसका भी एक यूज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने कंपोस्ट बिन को कहाँ रखना है, आपको कंपोस्ट बिन को फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि सनलाइट ही हीट प्रोड्यूस करेगी और आपके कंपोस्टिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। आपके कंपोस्ट बिन को कवर करके धूप में रखने से दो बेनिफिट होंगे, सबसे पहले तो आपके
कंपोस्ट बिन के अंदर से आपको बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, और दूसरा ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्योंकि मॉइस्चर अंदर रिटेन रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम जैसे जैसे वाटर ऐड करते हैं ना, तो नीचे की लिड में काफ़ी सारा एक सोल्यूएबल इकट्ठा हो जाता है। इसको दोस्तों आप एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग प्लांट के अंदर, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है और बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता है ये। हमारे इस लिक्विड के अंदर काफ़ी सारे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको इस कंपोस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं, इससे आपकी कंपोस्टिंग का प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नियरली 30 डेज हो चुके हैं, हमारा कंपोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका है, बट ऊपर की तरफ जितने भी हमारा ये लेफ्ट आउट पार्ट है ये डिकम्पोज नहीं हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत कम मिला है। तो यहाँ पर अब शफल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपको अपनी कंपोस्टिंग को शफल करना है जिससे आपका किचन वेस्ट अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाए। और अगर आप शफल नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें ऊपर की तरफ थोड़ी सी सॉइल ऐड कर दें, जिससे सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगी और इस सॉइल के अंदर भी काफ़ी सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत फास्ट कर देते हैं। तो आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और हाँ, वाटर को ऐड करना मत भूलना। इस स्टेज पर आने के बाद दोस्तों आप चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं कोई भी किचन वेस्ट नहीं डालने का, बट हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है तो हमने फिर से डाल दिया और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करा है। और हाँ, इसके बेस में जो लिक्विड था उसको आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे ऊपर से कंपोस्टिंग उतनी जल्दी फास्ट हो जाएगी। एंड फाइनली हमारे कंपोस्टिंग के 45 डेज़ के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कंपोस्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों इसको कुछ दिन ड्राई होने देना, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करना, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और एक बार यूज़ करने से पहले आप इसको छान सकते हैं अगर आपको फ्रेश और फुली डिकम्पोज आइटम ही यूज़ करना है, और अगर नहीं तो आप डायरेक्टली इस मिक्सचर को अपने पॉट में हल्की सी गुदाई करके डाल सकते हैं। चलिए मैं इसको छान लेता हूं और बताता हूं फ्रेश प्रोडक्ट कैसा नज़र आता है। हमारे इस 12 इंच के पॉट में दोस्तों हमने इतनी सारी कंपोस्ट बना दी कि हम कम से कम 5 से 7 गमलों को इजीली कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों है ना कंपोस्ट बनाना कितना आसान, बहुत सिंपल स्टेप से। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमारी इस कंपोस्टिंग के प्रोसेस में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई है, बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आई है। तो डेफिनेटली आप अपने बालकनीज में या फिर टेरेस पर इसको ईजिली रख सकते हैं। चलिए आप थोड़ा सा स्टोर करके कुछ वेजिटेबल्स को हम देकर देखते हैं हमारा रिज़ल्ट कैसा निकलता है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा परफेक्ट आई है। हमारे मार्केट से मिलने वाले किचन वेस्ट कंपोस्ट से भी ज़्यादा बेटर हमारा कंपोस्ट है, वैसे तो मार्केट में मिलता ही नहीं है। यहाँ पर हम दोस्तों ककड़ी के प्लांट के ऊपर हम थोड़ी सी कंपोस्ट डालेंगे, इसको ज़्यादा नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है। आप मतलब 10 इंच के पॉट में एक मुट्ठी या 100 ग्राम के आसपास ईजिली डाल सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट को डेफिनेटली आप दोस्तों स्मॉल सीडलिंग के ऊपर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखना आप बहुत कम ही डालनी है आपको। और यहाँ पर आप इंडोर प्लांट के ऊपर भी इजीली डाल सकते हैं, मनी प्लांट के लिए तो ये बेस्ट रहता है।